ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की रविवार को हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। उनके साथ इस दुर्घटना में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुलियान की मौत हो गई। रईसी की मौत पर दुनिया भर के लोग दो धड़ों में बटे हैं। कुछ लोग उनके मौत पर जश्न मना रहे हैं, तो कुछ उनकी मौत को संदिग्ध मान रहे हैं। उनकी मौत के पीछे इसराइल का हाथ माना जा रहा है। रईसी की मौत के पीछे इसराइल का हाथ कहे जाने के बाद रूस भी इस मामले में खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि रूस अमेरिका के बीच चल रहा तनाव किसी से छिपा नहीं है। यही वजह है कि कुछ लोगों का मानना है कि अगर इसके पीछे इसराइल का हाथ है तो कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका की भी भूमिका है, क्योंकि अमेरिका और ईरान की भी पुरानी दुश्मनी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जिस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और अन्य अधिकारी मारे गए हैं, उस दुर्घटना की जांच में ईरान की मदद करने के लिए रूस तैयार है। पुतिन ने संसद के निचले सदन के अध्यक्ष के साथ एक बैठक में कहा कि यदि हमारे सहयोगियों को इसकी जरूरत है तो हम इस दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए उन्हें विशेष सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। इसी दौरान उन्होंने रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ईरान की अपनी यात्रा से पहले बैठक में रईसी की मौत को बड़ी क्षति बताया। पुतिन ने कहा कि वो वास्तव में एक विश्वसनीय और आत्मविश्वास से लबरेज व्यक्ति थे, जो हमेशा अपने देश के राष्ट्रीय हितों के लिए काम करते थे। पुतिन ने कहा कि वो अपने शब्दों के पक्के व्यक्ति थे और उनके साथ काम करना खुशी की बात थी। हालांकि पुतिन ने प्रतिज्ञा की कि रूस ईरान के साथ अपना सहयोग जारी रखने के लिए तैयार है, क्योंकि दोनों देशों ने रईसी के दौर में भी एक दूसरे का सहयोग किया था। उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से रूसी ईरानी संबंधों को इसी तरह जारी रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि पुतिन और रईसी की अंतिम बैठक 7 दिसंबर 2023 को रूस में हुई थी। इससे पहले उन्होंने एक ऑनलाइन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। सितंबर 2022 में समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन के मौके पर दोनों राष्ट्रपतियों ने कहा था कि उनके देशों के बीच सभी क्षेत्रों से सक्रिय रूप से सहयोग हो रहा है। दोनों नेताओं के बीच फोन पर आखिरी बार 16 अप्रैल को बातचीत हुई थी। आपको बता दें कि रईसी का हेलीकॉप्टर 19 मई को ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें ईरान के शीर्ष राजनयिक हुसैन अमीर अब्दुलियान, पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर मालिक रहमती सहित राष्ट्रपति की सुरक्षा से जुड़े लोग भी विमान में शामिल थे। दुर्घटना में 5 यात्रियों और चालक दल के 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक जांच पैनल गठित किया गया था। फिलहाल रईसी की जगह उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। 28 जून को राष्ट्रपति का चुनाव तय है। इसके बाद अगले राष्ट्रपति का चुनाव होगा।